हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल करी विद पॉपी सीड्स एंड कैशियो नट। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। 20 ग्राम हमें चाहिए पोस्तो, 20 पीस हमें चाहिए काजू, 6 से 7 हरी मिर्ची। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, आधा घंटे के लिए हमें इसे रख देना है साइड में। उसके बाद हमें इसका पेस्ट बना लेना है। 250 ग्राम हमने लिया है फूल गोभी, 400 ग्राम हमने लिया है परवल, 150 ग्राम हमने लिया है बीन्स, 200 ग्राम हमने लिया है गाजर, 450 ग्राम हमने लिया है आलू, 100 ग्राम हमने लिया है पनीर। अभी हमें सारा चीज़ों को कर लेना है फ्राई। सबसे पहले फ्राई करेंगे पनीर। इसे फ्राई करना है अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन, और ये हो चुका है। ज़्यादा हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फ्राई करना है आलू। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आलू फ्राई करने में। हमें आलू को फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन तक मीडियम फ्लेम में, और ये हो चुका है। नेक्स्ट हमें फ्राई करना है परवल। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन, और ये हो चुका है। आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें फ्राई करना है फूलगोभी। हमें इसे फ्राई कर लेना है अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन, और ये हो चुका है। आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा कलर नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट हमें फ्राई करना है गाजर। हमें इसे फ्राई कर लेना है अंटिल लाइट ब्राउन, और आप देख सकते हो हल्का हल्का ब्राउन कलर साइड्स में, मतलब ये हो चुका है। नेक्स्ट हमें फ्राई करना है बीन्स। इसे बस हमें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, और आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो चुका है, मतलब ये हो चुका है रेडी। अभी हमें बनाना है ग्रेवी। ऐड करेंगे 15 टेबल स्पून ऑयल, आई एम यूजिंग सेम ऑयल। 1 टी स्पून ऐड करेंगे साबुत जीरा। ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 6 पीस लौंग। ऐड करेंगे 3 हरी इलायची, 12 साबुत काली मिर्च। इसे हमें बस 20 सेकंड के लिए पका लेना है। ऐड करेंगे 200 ग्राम बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमें पका लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। 6 मिनट बाद ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टी स्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 2 टी स्पून ऐड करेंगे इसमें नमक। इसे हमें पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। 180 से 200 ग्राम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरे। अभी हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो चुका है। ऐड करेंगे इसमें 100 ग्राम फ्रेश दही। ऐड करेंगे काजू पोस्तो और मिर्ची का पेस्ट। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अभी हमें इसे पका लेना है जब तक हमारा ग्रेवी से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी हमें ऐड करना है सारा वेजिटेबल्स। अभी हमें बस वेजिटेबल्स ऐड करना है, पनीर हमें बाद में ऐड करना है। इसे हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। अभी हमें ऐड करना है इसमें पनीर। 200 ml ऐड करेंगे इसमें पानी, 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे इसमें शक्कर। हमने नमक टेस्ट किया था, इसमें और थोड़ा सा नमक चाहिए, इसलिए ऐड करेंगे इसमें 1/2 टी स्पून नमक। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए, हमें इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, और 5 से 6 मिनट हो चुका है, हटा देंगे इसका ढक्कन। ऐड करेंगे 1 टी स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे घी, ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता। इसे अच्छे से कर लेना है हमें मिक्स, और बस हमें 2 मिनट के लिए इसे पकाना है। और ये हो चुका है रेडी। अभी हमें फ्लेम को कर लेना है बंद। सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म चावल के साथ या फिर पुलाव के साथ। ये मिक्स वेज करी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंजॉय कुकिंग एंड टेक केयर।